नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले कीज इन डीबीएमएस, नीड ऑफ कीज इन डीबीएमएस, टाइप्स ऑफ कीज इन डीबीएमएस, इन तीनों टॉपिक के बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे आज की वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोज की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी। आप देख सकते हैं और भी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं कीज इन डीबीएमएस, की का क्या मतलब होता है, कुंजी का क्या मतलब होता है, चाबी का क्या मतलब होता है डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। ठीक है, कीज इन डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आर एट्रीब्यूट्स और ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमारी जो हमारी कीज होती है वो क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स होते हैं, जिसको आप क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जो हमारे विशेषता है, गुण है हमारे, उनका क्या है, समूह है। दैट यूनिकली आइडेंटिफाई रोज टपल इन अ टेबल, जो क्या करते हैं यूनिकली अलग से हमारे क्या कर देते हैं, जो रोज है हमारी, रोज जिसको टपल भी बोलते हैं टेबल में, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं यूनिकली। ठीक है, अलग तरीके से, अनोखे तरीके से पहचानने में। ठीक है, दे एस्टेब्लिश कनेक्शंस बिटवीन टेबल्स बाय अलोइंग ईच रो टू बी आइडेंटिफाई थ्रू वन और मोर कॉलम्स। तो वो क्या करते हैं, जो टेबल्स होती है हमारी, उनके बीच में क्या करते हैं, एस्टेब्लिश करते हैं, कनेक्शन को स्थापित करते हैं, अलो करते हैं, अनुमति देते हैं कि हर एक रो है जो हमारी टू बी आइडेंटिफाई थ्रू, उसको आइडेंटिफाई किया जा सके एक या एक से ज्यादा कॉलम की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं टेबल की बात कर रहा हूँ बार बार, तो टेबल इस प्रकार से हमारी जो हमारे डेटाबेस में यूज होती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारे क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं, और ये हमारी क्या होती है, रोज होती हैं, इस प्रकार से। ठीक है, इन रोज को हम क्या बोल देते हैं, टपल बोल देते हैं। क्लियर है बात, कॉलम्स को हम क्या बोल देते हैं, एट्रीब्यूट बोल देते हैं। तो यहाँ पर यही बात बोली गई है, दे एस्टेब्लिश कनेक्शन बिटवीन टेबल्स बाय अलोइंग ईच रो टू बी आइडेंटिफाई थ्रू वन और मोर कॉलम्स। तो वो क्या करते हैं, जो हमारा कनेक्शन है उसको स्थापित करते हैं बिटवीन टेबल्स, टेबल्स के बीच में। ठीक है, ताकि जो हमारी रोज हैं, जो हमारे टपल्स हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जा सके, उनको पहचाना जा सके एक या एक से अधिक कॉलम की मदद से, एक या एक से अधिक एट्रीब्यूट की मदद से। ठीक है, कीज आर वाइटल फॉर लोकेटिंग स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स और रोज, ऑर्गेनाइजिंग डेटा एफिशिएंटली इन रिलेशनल डेटाबेस। तो जो हमारी कीज होती हैं वो क्या करती है, वाइटल बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देती है, भूमिका निभाती है लोकेट करने में, जो हमारे स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स हैं, जिसको रो भी बोलते हो, रो रिकॉर्ड। ठीक है, जो स्पेसिफिक विशेष रूप से जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनको लोकेट करने में, उनका पता लगाने में, एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा एफिशिएंटली, जो हमारा डेटा है टेबल्स में उसको व्यवस्थित करने में, ऑर्गेनाइज करने में एफिशिएंटली कुशल तरीके से, इन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस क्या होता है, हमारा कलेक्शन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज डेटा इन अ टेबल। ठीक है, जब हमने टेबल देखा था इस प्रकार से, टेबल की, टेबल में जो हमारा डेटा कलेक्ट होगा ऑर्गेनाइज तरीके से, उसको हम बोलते हैं रिलेशनल डेटाबेस। क्लियर है बात। अब देखते हैं फॉर एग्जाम्पल इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन नंबर सर्व एज अ कीज टू एक्सेस एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन द सर्वर। तो एग्जाम्पल अगर बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बात करें, शैक्षणिक संस्थान की बात करें, तो उसमें क्या होता है, आइडेंटिटी नंबर होता है, आईडी नंबर होता है, जो क्या सर्वर पर स्टोर होता है, जिसकी इन्फॉर्मेशन हमारी, जो क्या मदद करता है, हर एक स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करने में, उसको पहचानने में मदद करता है अलग से। ठीक है, नंबर सर्व एज कीज टू एक्सेस एप्लीकेंट, जो कि एक चाबी की तरह काम करता है, तो एक्सेस एप्लीकेंट इन्फॉर्मेशन, जो हमारा एप्लीकेंट है उसकी इन्फॉर्मेशन, उसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए, टू एक्सेस करने के लिए। ठीक है, ओवरऑल कीज प्लेज अ क्रूशियल रोल इन डेटा क्लासिफिकेशन एंड मैनेजमेंट। बात करें अगर ओवरऑल, तो हमारे जो कीज होती है, जो चाबियां होती हैं, जो कुंजियां होती हैं डेटाबेस में, वो क्या करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल, भूमिका निभाती है डेटा क्लासिफिकेशन में, डेटा के वर्गीकरण करने में और मैनेजमेंट करने में, डेटा की व्यवस्था करने में, प्रबंधन करने में। क्लियर है बात, ये एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं हमारे की के कंसेप्ट को, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं एग्जाम्पल को हमारे। लेट्स क्रिएट अ सैंपल टेबल, सैंपल टेबल बना लेते हैं, स्टूडेंट नाम की टेबल, डिपार्टमेंट नाम की टेबल, टू इलस्ट्रेट द नीड फॉर कीज इन रिलेशनल डेटाबेस। तो रिलेशनल डेटाबेस में हमें कीज की क्या जरूरत है, चाबियों की क्या जरूरत है, कुंजियों की क्या जरूरत है, इसका पता लगाने के लिए हम दो टेबल मान लेते हैं, एक टेबल हमारी स्टूडेंट टेबल होगी और दूसरी टेबल हमारी होगी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट्स नाम से। ठीक है, इन दिस एग्जाम्पल द स्टूडेंट आई डी सर्व एज द प्राइमरी की इन द स्टूडेंट टेबल। तो जो हमारी स्टूडेंट टेबल है, उसमें जो हमारी स्टूडेंट आई डी है, वो क्या प्राइमरी की का काम करेगी। प्राइमरी की के बारे में आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, प्राइमरी की क्या होती है, हमारी मुख्य की होती है, जो आइडेंटिफाई करती है हर एक रिकॉर्ड को, हर एक रो को। ठीक है, इसको बोलते हैं प्राइमरी की। तो प्राइमरी की का काम करेगी हमारी, क्या इंश्योर करेगी, इंश्योरिंग दैट ईच स्टूडेंट रिकॉर्ड हैज अ यूनिक आइडेंटिफायर। यह सुनिश्चित करेगी कि हर एक जो स्टूडेंट है हमारा, उसका रिकॉर्ड है, उसके पास क्या हो, एक यूनिक आइडेंटिफायर हो, एक अलग से जो आइडेंटिफायर है, पहचान करता है वो हो। तो प्राइमरी की क्या करेगी, हमारी यूनिक आइडेंटिफायर का काम करेगी यहाँ पर, हर एक स्टूडेंट के लिए,
क्या करेंगे, यूनिक आइडेंटिफायर काम करेंगे। द डिपार्टमेंट आई डी कॉलम इन द स्टूडेंट टेबल एक्ट एज अ फॉरेन की, तो जो हमारा डिपार्टमेंट आई डी होगी स्टूडेंट टेबल में वो क्या करेगी, फॉरेन की का काम करेगी, विदेशी चाबी का काम करेगी, ठीक है। एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप विद डिपार्टमेंट टेबल, जो क्या करेगी हमारे डिपार्टमेंट्स की टेबल, डिपार्टमेंट नाम की टेबल है उसके साथ संबंध स्थापित करेगी, ठीक है। दिस रिलेशनशिप अलाउ यू टू लिंक ईच स्टूडेंट टू अ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, ये जो रिलेशनशिप है, ये जो संबंध है, आपको क्या करेगा, अनुमति देगा कि आपका हर एक स्टूडेंट का जो हर एक स्टूडेंट वो क्या हो जाए, जुड़ जाए डिपार्टमेंट टेबल से, हर एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड क्या हो जाए, जुड़ जाए हमारी डिपार्टमेंट टेबल से। जैसे ये जितने भी हमारे स्टूडेंट्स है ये क्या हो जाए, डिपार्टमेंट आई डी की मदद से हमारी जुड़ जाए हमारे डिपार्टमेंट से टेबल के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी है, वहां पर भी डिपार्टमेंट आईडी थी, इसकी मदद से क्या हो गया, डिपार्टमेंट के साथ जुड़ गए हमारे स्टूडेंट, ठीक है। विदाउट कीज इट वुड बी चैलेंजिंग टू मेंटेन डेटा इंटीग्रिटी, बिना कीज की मदद से, बिना चाबियों के, बिना कुंजियों की मदद से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा क्या होगा, यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण होता हो जाता है कि हमारे जो डेटा की इंटीग्रिटी वो बनी रहे। डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है, डेटा की अखंडता, डेटा हमारा संपूर्ण रहे, सही रहे, सटीक रहे, ठीक है। एस्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स एंड एफिशिएंटली रिट्राइव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस, तो हमारे क्या है, बिना की के हमारे क्या हो जाएगा, चैलेंज हो जाएगा डेटा इंटीग्रिटी को बनाना, और जो रिलेशनशिप हमारे टेबल्स के बीच में उनको बनाना, और एफिशिएंटली डेटा को प्राप्त करना, डेटाबेस में से जो हमारा डेटा है उसको कुशलतापूर्वक प्राप्त करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा अगर हम कीज का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। कीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग रिलेशनल डेटा एफिशिएंटली, तो जो हमारा रिलेशनल डेटा होता है उसको मैनेज करना, उसको प्रबंधन करना, उसको ऑर्गेनाइज करना, उसको व्यवस्थित करने में हमारी जो कीज होती है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्रूशियल रोल निभाती है, क्लियर है बात यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एग्जांपल में हमारे पास ये जो हमारी स्टूडेंट्स टेबल है, ये हमारी डिपार्टमेंट जो आईडी है फॉरेन की का काम कर रही है, जो डिपार्टमेंट टेबल में भी हमारी अवेलेबल है, जो हमारी क्या कर रही है, लिंक कर रही है दोनों टेबल्स को आपस में, क्लियर, जिसकी वजह से हमारा जो डेटा को ऑर्गेनाइज करना, व्यवस्थित करना, डेटा को मैनेज करना, प्रबंधन करना आसान हो जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नीड ऑफ कीज इन डीबीएमएस, कि डीबीएमएस में हमारी चाबियों की, कुंजियों की जरूरत क्यों पड़ी, क्या जरूरत है। यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स, तो जो हमारे रिकॉर्ड्स होंगे, जो भी रोज होंगे हमारी, उसको पहचान करना, उनका यूनिकली अलग तरीके से उनकी पहचान की जा सकेगी, सब इंडिविजुअली पहचान करी जा सकेगी, सब अलग अलग है हमारे, ठीक है। कीज एंश्योर दैट ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल कैन बी यूनिकली आइडेंटिफाइड, तो कीज हमारी चाबियां यह सुनिश्चित करेगी कि हर एक रिकॉर्ड जो हमारे टेबल में प्रेजेंट है उसको यूनिकली आइडेंटिफाई किया जा सके, उसको अलग से पहचाना जा सके, ठीक है। दिस यूनिकनेस इज क्रूशियल फॉर मेंटेनिंग डेटा इंटीग्रिटी अवॉइडिंग डेटा रिडंडेंसी, तो ये जो यूनिकनेस है हमारी ये क्या बहुत ही क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटेन करने के लिए डेटा की इंटीग्रिटी को, डेटा की अखंडता को, ये मैंने आपको पहले बताया डेटा इंटीग्रिटी क्या होती है। अवॉइडिंग डेटा रिडंडेंसी, डेटा की रिडंडेंसी क्या होती है, जो हमारा फालतू का डेटा है, मान लीजिए हमारा एक टेबल में, हमारा दो टेबल हमारे पास, इस टेबल में भी सेम डेटा, इस टेबल में भी सेम डेटा, तो वो क्या होगी, डेटा की रिडंडेंसी होगी, एक टेबल में हमारा फालतू डेटा है, ठीक है, जो हमारा स्पेस भी घेरेगा, तो उसकी डेटा की रिडंडेंसी को, जो अनावश्यक हमारा डेटा है उसको अवॉइड करने के लिए हम कीज का इस्तेमाल करते हैं। एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप, संबंधों को स्थापित करने के लिए, कीज आर यूज्ड टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स इन अ रिलेशनल डेटाबेस, तो एक रिलेशनल डेटाबेस में टेबल्स के बीच में संबंध को स्थापित करने के लिए हम कीज का इस्तेमाल करते हैं। बाय डिफाइनिंग फॉरेन कीज इन द रिलेटेड टेबल्स, तो हमारी जो रिलेटेड टेबल्स उसमें हम क्या करते हैं, फॉरेन की का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन एनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा टेबल्स, तो हमारे फॉरेन की का इस्तेमाल करके रिलेटेड टेबल्स में हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी है उसको लागू कर सकते हैं, उसको एनफोर्स कर सकते हैं, ठीक है। जो रेफरेंस ले सकते हैं हमारी, जैसे दो हमारे टेबल्स है तो इस टेबल से हम रेफरेंस ले सकते हैं दूसरी टेबल में, ठीक है। एंड मेंटेन द कंसिस्टेंसी ऑफ डेटा अक्रॉस टेबल्स, तो जो हमारी दो टेबल्स होगी, मान ली दो या तीन टेबल जितने भी होगी हमारी, उनके बीच में कंसिस्टेंसी को बनाने के लिए, स्थिरता को बनाए रखने के लिए हम कीज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एफिशिएंट डेटा रिट्रायवल, डेटा रिट्रायवल मतलब डेटा को प्राप्त करना डेटाबेस से, ठीक है, तो कुशल तरीके से हम कर सकते हैं कीज की मदद से। कीज सर्व एज इंडेक्सेस, तो कीज क्या करते हैं, हमारी इंडेक्सेस की तरह काम करते हैं। इंडेक्सेस क्या होते हैं, जैसे आप बुक देखते हो, बुक में पहले पेज पे क्या होता है, इंडेक्स लिखा होता है कि ये टॉपिक कौन से पेज नंबर पर, ये टॉपिक कौन से पेज नंबर पर, ये टॉपिक कौन से पेज नंबर पर, तो वहां से आप डायरेक्टली क्या है, उस पेज नंबर पर पहुंच जाते हो, आपके लिए आसान हो जाता है डेटा को फाइंड आउट करना, आपके जो टॉपिक है उसको फाइंड आउट करना। तो की भी इसी तरीके से काम करती है, वो भी इंडेक्सेस की तरह काम करती है, फैसिलिटिंग द फास्ट, जो हमारे क्या फास्ट सुविधा प्रदान करती है, एफिशिएंट डेटा रिट्रायवल ऑपरेशन, जो हमारे डेटा रिट्रायवल के जो ऑपरेशन जो कार्य है उनको क्या करती है, आसान बना देती है, कुशल बना देती है, ठीक है। When a key is defined on a column or combination of column, तो जब हम key को define करते हैं किसी column में या combination of columns में,
ठीक है, इट अलाउज द डीबीएमएस टू क्विकली लोकेट स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन देयर यूनिक आइडेंटिफायर्स। तो उसके जो यूनिक आइडेंटिफायर्स है, जैसे कि प्राइमरी की हो गई हमारी, ठीक है, उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं, हमारे स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स, जो हमारे विशेष प्रकार के जो रिकॉर्ड हमें चाहिए, उसको क्विकली बहुत तेजी से हम लोकेट कर सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं डीबीएमएस में, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, किसकी मदद से। क्लियर है बात? अब देखते हैं टाइप्स ऑफ कीज इन डीबीएमएस। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हमारे टाइप कितने प्रकार के होते हैं कीज के, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो डेटाबेस कीज है हमारी, ठीक है, ये हमारा डेटाबेस है। यहाँ पर प्राइमरी की है हमारे पास, अल्टरनेट की है, कंपोजिट की है, सरोगेट की है, कैंडिडेट की है, फॉरेन की है, सुपर की है। तो ये बहुत सारी कीज है, इन सबके बारे में आगे आने वाली वीडियो में एक एक करके बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, विद एग्जाम्पल बात करेंगे, ठीक है। तो जो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक था वो क्या था, कीज क्या होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, ठीक है, उसका एग्जांपल हमने देख लिया, उसकी जरूरत क्या होती है, नीड क्या होता है कीज की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, और उसके टाइप्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिटेल में पढ़ लिया। उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, मैंने पूरी कोशिश करी है इसको अच्छे समझाने की, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनके हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा पहला सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।